वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। देखो पद्म पुराण में भागवत कथा की दो कथाएं आती है। एक तो कथा आप लोगों ने श्रवण की, ये गोकर्ण धुंधकारी की एक कथा सुनी, उसमें और एक कथा आती है ज्ञान और वैराग्य की। कहते श्री भक्ति देवी की दो बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। देखो इधर प्रश्न आता है, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं ना, आपको दो बेटा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ज्ञान होनी चाहिए और एक वैराग्य, दो बेटा जरूर होनी चाहिए। अभी प्रश्न है कि तो भैया ज्ञान और वैराग्य तो ठाकुर नहीं मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम ही होते हैं। भगवान को ज्ञान वैराग्य जोग से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। यहाँ फिर प्रश्न आती है, फिर ये भक्ति के ये दो बेटे कैसे हो गए? इसलिए श्री नारद जी जब उन्होंने श्री वृंदावन धाम में आए, जमुना किनारा में देखा एक सुंदरी एक स्त्री बैठी हुई और दोनों अगल बगल में दो बेटे जो एकदम वृद्ध हो चुके, बूढ़े हो चुके, केस सफेद हो गया सबके सब, एकदम बेहोश होकर पड़े हुए और भक्ति देवी बैठी बैठ कर रो रही है। यहाँ पर शिक्षा देती है, अगर भक्ति के दो बेटे अगर बूढ़े हो जाए ना, ज्ञान और वैराग्य अगर बूढ़े हो जाए, ये भक्ति देवी क्या करती है? रोती है भक्ति देवी। इसका मतलब है अगर कोई भक्ति को पुष्ट करना चाहते हैं, जीवन में भगवान को प्रेम करना चाहते हो, तुम्हारी दो बच्चे जवान होनी चाहिए, दो बच्चे। वो दो बच्चे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान है, बोले यहाँ दो तरह का ज्ञान है, एक तो ब्रह्म ज्ञान जो चाहते हैं ये आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, लेकिन ये ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन कौन सा ज्ञान से भगवान मिलते हैं? बोले भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए, जो ज्ञान को द्वारा भक्ति आगे बढ़ेगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में यहाँ पर बताए कि तीन तरह के भक्त हैं। कितने तरह के भक्त हैं? तीन तरह के भक्त हैं, एक कनिष्ठ एकदम छोटे और एक मध्यम और एक उत्तम है। बोले ये कनिष्ठ भक्त कौन है? कनिष्ठ भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति बड़ी डामाडोल सा है, भक्ति तो कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हो जाए ना, कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, देखना किस चीज को छोड़ेगा नहीं, खाना नहीं छोड़ेगा, सोना नहीं छोड़ेगा और घूमना नहीं छोड़ेगा, पहले मालाएं छोड़ देंगे। बोलेगा भगवान का इतना भजन किया, भक्ति की, और ठाकुर जी हमारे साथ में ही किया, इतना दिन से ठाकुर का भजन पूजा भक्ति कर रहा हूं, उसने क्या करेगा? अपना माला पहले अपना माला ही छोड़ देगा। कहते ऐसे कौन भक्त है? कहते जो एकदम सबसे छोटे भक्त, कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है? कहते जो स्वयं अपना भक्ति को अच्छे तरह से कर लेता है, भले ही जीवन में जितने विपत्ति आ जाए, भले ही दुनिया छूट जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगी। माता कुंती की कथा सुन रहे थे ना कुछ दिन पहले, हमारे प्रभु जी आकर कुंती स्तंभ सुना रहे थे। जब माता कुंती को कृष्ण बोले तुम मेरे से वर मांगो, वो झोली पसार करके क्या मांग रहे हैं? बोले प्रभु जी अगर देना तो मेरे झोली में दुख ही दे दो। बोले बुआ जी इतने दुख है, इतने दुख भोग करके अभी तुम्हारे पेट भरी नहीं, फिर दुख चाहती हो? सारा जीवन तो जंगल में भटक गए और दुर्योधन ने लाक्षागृह में मारने के लिए कोशिश की, फिर भीमसेन को लड्डू खिला करके, जहर की लड्डू खिला करके समुद्र में फेंक दिया, भरी सभा में द्रौपदी की विवस्त्र देखना पड़ा, इतने दुख भोग करते करते पेट भरा नहीं, जब मैं बोलता हूँ कुछ मांगो, फिर झोली पसार करके क्या मांग रहे हैं? मेरे को फिर विपत्ति भर दो, क्या तेरे को दुख भोग करते करते पेट अभी तक भरा नहीं? कुंती क्या करती है? बोले कन्हैया दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आई। बोले सुख के माथ सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। अब से एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग बताओ
आप दुख में ज्यादा भगवान को स्मरण करते हो ना सुख में? सही सही बताओ। इसलिए माँ कुंती कहती, बोले प्रभु चार ही तरह का व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेगा। बोले कौन है? बोले जिसको बड़े हाई भाई कुल में जन्म हो जाए, जिसको भगवान ज्यादा पैसा दे देते हैं। बोले प्रभु तेरे भजन नहीं करेगा, ज्यादा पैसा वालों को देखना। ये सत्संग भक्ति में कहीं कहीं दारू का दुकान में है, कहीं जुआ की दुकान में, कहीं नाइट क्लब में, उनको वहीं पर दिखोगे। कथा पता में वो दिखाई नहीं पड़ेगा, उस इतना गंदी चीज में वही लोग दिखाई पड़ेंगे सब सब हैं। कथा में तो आप हम जैसे फ्री वाले यहाँ पर बैठे गए, और काम में आएगा तो यही काम आएगा, उनका काम में कोई चीज आने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, श्री मतलब थोड़ी सी चमड़ा जिसको बढ़िया हो जाए। कुंती कहती है प्रभु प्रभुता पाई काम दनाई, ये बड़े कठिन है तेरे भजन करना। इसलिए श्याम सुंदर दुख में तेरे को सब सुमिरन करते हैं। यहाँ प्रश्न आता है, फिर क्या भक्त जो भक्ति करते हैं, ध्यान देकर सुना, अभी प्रश्न आता है जो भक्ति करेंगे फिर उनको जीवन में विपत्ति विपत्ति आए। कोई बोलेगा ना हम भक्ति करेंगे वो जीवन में विपत्ति नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कुंती कहती है बोलो प्रभु तू जिस स्थिति में हमें क्यों नहीं रखे, रख लो, दुख में रखो नहीं तो सुख में रखो, लेकिन जैसे दिन रात तेरे को कभी भूलू नहीं, हर समय तेरे को मैं याद करते रहूं, हर स्थिति में तेरी स्मरण करते रहूं। इसलिए बोले सुरेश लोक अपि 90 शब्दता, अगर वो ब्रह्मलोक क्यों नहीं हो जाए, वो स्वर्ग लोक क्यों नहीं हो, अगर तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारी भक्ति नहीं, भजन नहीं, वहां पर भी मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। मैं तो वहीं पर जन्म लेना चाहता हूँ तेरे जहाँ कथा उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गिरिराज पूजा, जहां पर तुम्हारी कथा कीर्तन में, वहीं पर ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर ज्ञान मतलब है, कहते मध्यम भक्ति कौन है, अपना भजन साधन कभी नहीं छोड़े, अपना भजन साधन ठीक रहे। बोले उत्तम भक्त कौन है, बोले जो स्वयं भक्ति कर ले और इतनी इनकी भक्ति पुष्ट हो, अपना भक्त तक भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाते हैं, इसको कहते हैं ये श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए कहते जो यहाँ ज्ञान की जो बात बताए, यहाँ सिर्फ भक्ति युक्त ज्ञान है, शास्त्र की जो भक्ति युक्त ज्ञान है, ये ज्ञान पुष्ट होनी चाहिए। ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये ज्ञान तो भगवान मिलते नहीं, ये भक्ति युक्त ज्ञान। बोले वैराग्य मतलब, बोले विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग होनी चाहिए, और वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक अनुराग, और युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब है ये शरीर धारण करने के लिए हमें जितना जरूरत उतना ग्रहण करो, अगर ज्यादा ग्रहण करोगे फिर तो भोगी बन जाओगे, अगर कम ग्रहण करोगे फिर रोगी बन जाओगे। इसलिए हमें भोगी भी नहीं बनना, हमें रोगी नहीं बनना, हमें क्या बनना है, भगवान की भक्त बनना है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री एक उनके एक भक्त हुए है, उनका नाम था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। एक दिन उन्होंने महाप्रभु से बोले प्रभु आपके मुखारविंद से मैं कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु के बड़े चार लाइन में उन्होंने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है केवल उन्होंने चार लाइन में बता दिया। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, अगर हम इतना ग्रहण कर लेना समझो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। वो कहते हैं ग्राम्य कथा ना बोली वा, ग्राम्य कथा ना कही वा, भालना पड़ीवा और भालना खाई वा, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीवा। महाप्रभु ये चार लाइन में उनने सारे शास्त्र का निचोड़ उन्होंने दे दिया। देखो क्या कहते हैं, कहते ग्राम्य कथा ना बोलीवा, ग्राम्य कथा ना कहीवा, मतलब है भगवान की कथा को छोड़ करके, चर्चा को छोड़ करके कभी ये दुनियादारी की बात नहीं करना। ग्राम्य मता मतलब जो लोग ग्राम में रह करके सारा दुनिया की इधर उधर की चर्चा करते हैं, कभी भी इधर उधर की चर्चा नहीं करना। चर्चा करना तो महाप्रभु कहते हैं अन्न कथा ना कहीवा, अन्न कथा ना बोलीवा, जद्दि मिली वे आने, जब दूसरे से बोलो केवल भगवान की चर्चा करो, ठाकुरों की चर्चा करो, दुनिया की कोई बात मत करो। अरे भाल ना खाईवा, अरे भाल ना पड़ीवा, अगर बहुत बढ़िया बढ़िया खाओगे अरे इंद्रिय तेज होगा, फिर इस संसार में खींच लेगा तुम। अरे भाल ना पड़ीवा, बढ़िया बढ़िया मत पहनो, क्योंकि अगर बढ़िया बढ़िया पहनोगे फिर शीशा के सामने खड़े होकर देखोगे अरे कैसे लग रहा हूं,
जब रास्ता में चलोगे आज इतना बढ़िया साड़ी पहने, कोई मेरे तरफ देख रहा है कि नहीं आज इतना बढ़िया कपड़े पहन कर जा रहे, फिर मन कहाँ जाएगा, फिर मन तुम्हारी भजन में नहीं, पर ये मन तुम्हारी विषय में तुमको ले जाएगा। हैं भालना खाएगा और क्या करेगा, बोले ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस परिवा, हर समय कहीं भी रहो है प्रतिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, कहीं भी शरीर में क्यों नहीं रहो, मानसिक रूप में समझो वृंदावन में रह रहे हो। कहां पर रह रहे हो, कहां पर रह रहे हो, सिर्फ वृंदावन, मानसिक रूप में शरीर से कहीं क्यों नहीं हो, मानसिक रूप में समझो हम श्री वृंदावन धाम में हम निवास करते हैं, और वृंदावन में रह करके मानसिक रूप में श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा उनकी भक्ति करते रहो। महाप्रभु ने ये उपदेश दिया, इसलिए बोले भक्ति के दो बेटे हैं, कौन कौन दो बेटे हैं, कहते हैं कि ज्ञान है और एक वैराग्य है, अगर ये दो बेटे अगर बढ़िया हो जाए ना बस फिर भक्ति प्रसन्न रहेगी, अगर ये दो बेटे अगर बूढ़े हो गए ना फिर तो भक्ति रोती रहती है, हैं? लेकिन इनकी पूर्ण ज्ञान कैसे हुई, जब ये श्रीमद् भागवत कथा है, जब ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किए, ये ज्ञान वैराग्य ये शुष्क होते हैं साधारण रूप में, लेकिन ये भी भागवत कथा भक्ति रस में ये भी नाच उठे सबके सब, मतलब है अगर ये भागवत कथा को हम सुनेंगे हमारी अंदर में जो भगवान की जो प्रेम युक्त जो ज्ञान और वैराग्य, मतलब विशेष पूर्वक ठाकुर जी का प्रति जो अनुराग जो प्रेम है, आप लोग देखना जब ये 7 दिन खत्म हो जाएगी ना कथा, 7 दिन ही होगी ना, आप देखना जब कथा 7 दिन होगी हमारे अंदर में जो भक्ति और ज्ञान ये जो दो बेटे थोड़ी थोड़ी छिम रहे हैं, आप देखना कथा जब खत्म हो जाएगी ना ये पूरा पूरा जागृत हो जाएगी, देखना जब कथा खत्म होगी आपको ऐसे लगेगा हम ना जाने हमें क्या मिल गया, हमें ना जाने हमें क्या रस मिल गया, संपूर्ण रूप में हमारा भक्ति जग उठेगी और सबके सब आनंद तुम्हारे, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कि ये कथा आती है पद्म पुराण में, कहते स्कंद पुराण में कथा आती है, स्कंद पुराण की जो कथा हमारे जो बड़े गुरु जी थे इनको ये कथा सबसे प्यारा था, अक्सर करके बड़े गुरु जी ये स्कंद पुराण की कथा सुनाया करते थे, क्योंकि इसमें केवल वृंदावन वृंदावन की कथा है, केवल ब्रज की ब्रज ही कथा है इसमें, और कुछ और इधर उधर कोई कथा है ही नहीं। बोले जिस समय कृष्ण ये जगत छोड़कर गए, पांडव लोग भी ये दुनिया को त्याग दी, और जाने से पहले बज्रनाभ को वृंदावन का राजा और परीक्षित महाराज को बना देते हैं, श्री हस्तिनापुर का राजा बनाए। एक दिन परीक्षित श्री बज्रनाभ से मिलने के लिए वृंदावन में आए, बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगलत है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगलत है, लेकिन ये मन बड़ा उदास है। बोले क्यों उदास है, बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, कहते वृंदावन के जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है ना, जितने वृक्ष कह रहे ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे 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 होई, इसलिए वृंदावन के वृक्ष लता कीड़े मकोड़े कोई साधारण नहीं। इसलिए एक समय गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाया करते थे, बोले एक समय राधा रानी ने मान की कुंज में, कृष्ण बहुत कोशिश की राधा जी को मनाने के लिए, लेकिन किसी तरह से राधा जी को मना नहीं पाए, राधा रानी कुंज छोड़ करके जा रही है, कृष्ण तो एकदम दुखी दुखी कृष्ण हो गए, और राधा जी को मना नहीं पाए, आनंद रास कैसे होगा। जब राधा रानी निकल रही थी, जब थोड़ी सी आगे गए ना, वहां पर एक काला रंग का जहरीले सर्प इतने में सर खड़े करके एकदम खड़ा हो गया, और राधा रानी जब देखा ये सर्प को देखा, राधा रानी में अंदर जो मान थी ना सब दूर हो गया, और वो डर के मारे बाहर से आकर के ना कृष्ण को गोद में ले लिया। इसलिए गुरु जी कहते थे, देखो जो काम कृष्ण नहीं कर पाए वो काम को कौन कर दिया,
एक सांप ने कर दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे इसमें वृंदावन के जितने कीड़े मकड़े सर्प फर्प है ना, ये कोई साधारण नहीं। कभी कभी कृष्ण से जो काम नहीं हो पाता वो खो जाता है, सांप से ये काम हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ये जग दुनिया जब छोड़ कर गए, संपूर्ण धाम समेत उन्होंने सबको लेकर के ठाकुर जी गोलोक वृंदावन ठाकुर जी चले गए। जब चले गए बोले ये वृंदावन हमें सुनी सुनी लग रहा है, वृंदावन में कोई है ही नहीं। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं वृंदावन से बाहर नहीं जाते, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है। तब उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप कृपा करके थोड़ी ये वृंदावन की महिमा को गान करो। तो उन्होंने बोले देखो बेटा, कृष्ण की दो तरह का लीला है, एक व्यवहारिक लीला और एक वास्तविक लीला है। व्यवहारिक रूप में साधारण रूप में देखो जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, लेकिन वास्तव रूप में देखोगे तो कृष्ण कहीं भी वृंदावन छोड़कर गए, कहीं नहीं गए। आप लोग वृंदावन में गए ना, मैं हर साल सुनाता हूँ ना, वहां पर दो बहने हैं, एक निधुवन और एक है निकुंजवन, दो बहने हैं। देखना वहां पर शाम होते ही अपने आप वहां के सबके सब बंदर भी चले जाते हैं। ठाकुर जी को पुष्पों की सज्जा लगती है, लोटे में पानी लड्डू दांतन रख लेते हैं, लेकिन सवेरे आकर के देखो ऐसे लगता है जैसे मानो किसी ने फूल की सज्जा के ऊपर लेट कर लिया। अगर कोई जोर जबरदस्ती वहां रुक जाएगा ना वो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। मैंने स्वयं दो वहां पर देखा, एक वो गुंगा बनते हुए देखा, एक माता जी को मरते हुए भी देखा। जिन व्यक्तियों को विश्वास नहीं होता है ना भगवान है ही नहीं, उनको बोलो एक बार जाकर के वृंदावन में वो जंगल में रह करके आ जाए, फिर उनको पता चलेगा भगवान है कि नहीं। ठाकुर जी ऐसे ठाकुर की दिव्य लीला है ठाकुर जी की। इसलिए अगर सचमुच से कोई भजन करे तो ठाकुर जी उसको दर्शन देते हैं। एक समय एक साधु एक सुंदर कथा सुना रहे थे, बोले एक समय कोई एक संत कथा कर रहा था और एक चोर किसी तरह से वो कथा में आकर बैठ गया। वो साधु कथा सुना रहा था, कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, मैया जसोदा कृष्ण को चरण से लेकर के सर तक हीरे जवाहरातों से बड़ी सुंदर श्रृंगार कर देती है। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना, बोले 5-6 साल के बालक है। वो चोर ने जब ये कथा सुन लिया, बोले वाह हमने अनजान में ये साधु संग में बैठ गया, ये साधु संग में बड़ी अच्छी कथा होता है। कहते 5-6 साल का बालक को मैया जसोदा पूरा शरीर में हीरे जवाहरातों से पूरा श्रृंगार कर देती है। वाह बढ़िया बात सुन गया, केवल 5-6 साल का बालक, इसको तो 2 थप्पड़ लगा करके सारे सिने छीन लूंगा। बोले भैया ये साधु से पता लेनी चाहिए वो कहाँ गया चराने के लिए जाता है। वो साधु जब जाता था वो एक जंगल को पार करते हुए जाता था, वो डाकू ने आकर के जंगल में छुप गया। जब वो संत जा रहे थे ना पकड़ लिए, उसको पता ये नामी गुंडा और चोर है, बाबा तो थका बूट है। बोले क्या बात है, बोले बाबा डरो मत तेरे को भी हिस्सा मिलेगा। बोले किस चीज की, बोले आज आप कथा सुना रहे थे ना, एक 5 साल का कोई बालक कृष्ण है वो गैया चराने जाता है, मैया सर से लेकर प्यार तक सोने हीरे जवाहरात से श्रृंगार करता है, बाबा उसको केवल एड्रेस बता दो कहाँ रहता है, आधा हिस्सा तेरा आधा हिस्सा मेरा। बोले भैया हम तो कृष्ण द्वापर युग में आए थे, इनकी कथा सुना रहे थे। लेकिन वो तो डर गया, उन्होंने मुंह से निकाल दिया। वो रहते हैं नंदगांव में, वहां पर टेर कदम है, टेर कदम गए ना परिक्रमा में, जहां पर कृष्ण पेड़ के ऊपर उठ करके बड़े सुंदर बंसुरी की आवाज से कभी गोपियों को कभी ग्वाल वाल को बुलाते हैं। बोले ये टेर कदम में ही रहते हैं। बोले नंदगांव में टेर कदम, बोले हाँ। बड़ा खुश हो गया, इतने में उन्होंने पूरा कृष्ण को वर्णन किया था, कृष्ण कैसे त्रिभंग ललित रूप है, कैसे पीतांबर पहनते हैं, कैसे सर पर मयूर मुकुट है, कैसे कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। अभी उन्होंने कृष्ण का सब श्रृंगार को सुना, अभी उसको दिल में तो वही बैठ गया है। उसने ढूंढते ढूंढते नंदगांव में टेर कदम पर आया। हाँ बोले कब ये वापस आता है, बोले एकदम शाम को ये वापस आता है गैया चराते हुए। अभी जब वहां पर जा करके कभी पेड़ के ऊपर चढ़े, कभी नीचे उतरे, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, वो कब आएगा, शाम होते हुए जा रहा है। और जितना शाम होते जा रहा है उतना उतावला, अभी आने वाले, अभी आने वाले, अभी आने वाले। देखो
अगर कृष्ण का रूप का कोई स्मरण करे ना, उसका क्या फल है? भगवान कथा जैसे आग है, बच्चे को पता नहीं ये आग है। अगर अनजान में बच्चा अगर आग को पकड़ ले, वो आग छोड़ देगा? आग क्या करेगी? वो जला देगी। उसी तरह कृष्ण कौन है? भगवान ही। यद्यपि इसके अंदर भक्ति नहीं, लेकिन कृष्ण चिंतन करते 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 सचमुच से उसका हृदय धीरे 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 पवित्र होता गया, हृदय पवित्र होते गया। इतने में ऊपर नीचे करते करते उसने सचमुच से एकदम शाम हुआ, देखा एकदम धूल उड़ रहा है, एकदम धूल उड़ रहा था। बोले शायद अभी आने वाले। सचमुच से देखा लाख लाख गैया आ रहा है, लाख लाख गैया आ रहे हैं, लाख लाख गैया। और सचमुच से देखा कृष्ण जान बुझ कर ना सबसे पीछे आ रहे। तो बोले वाह बढ़िया मौका, ये सबसे पीछे आ रहा है, उसको कृष्ण दर्शन मिले। इतने में जब सबके सब चले गए ना, इतने में उसने कृष्ण को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, लेकिन मन में भावना किया था उसको चोरी करेंगे, लेकिन जब भगवान के चिंतन करे और भगवान को स्पर्श करे, फिर चोरी करने का भावना रहेगी? कहते भगवत स्मरण भगवत स्पर्श से उसकी चोरी करने का भावना चली गई, और ठाकुर जी के चरण में उसने गिर पड़ा। उसने ठाकुर जी के चरण में रोने लग गए। ठाकुर ने कहा देखो तुम तो कुछ लेने के लिए आए थे ना, लो कृष्ण स्वयं उनको उतार करके गहना दिखाए। और उसने चोर को पास में आए, बोले चोर तो बहुत डरा हुआ था, मैं तो बोल दिया नंदगांव में तेरे कदम पर थोड़ी ठाकुर मिलेंगे हैं। तो ठाकुर तो द्वापर जी के भी आए, लेकिन उसको ठाकुर जी दर्शन मिलेंगे। उन्होंने जब दर्शन करके आए और बाबा को जंगल में मिला, बाबा तो कांप रहे थे, मैं तो झूठ मूठ का बोल दिया, थोड़ी कृष्ण मिले होंगे, गया होगा, मिला नहीं, अभी पिटाई करेगा। लेकिन कहा कहते आपने जो एड्रेस बताया ना, एकदम सही एड्रेस था, और ठाकुर जी को मुझे दर्शन मिला, और तो मैं लेना ही नहीं चाह रहा था, ठाकुर जी मेरे को जोर जबरदस्ती दिए, बोले तुम इसको लो। चोर तो उसका चरण में गिर पड़ा, बोले भैया मैं तो कथा ही जिंदगी भर ही कथा ही कथा सुनाता सुनाता था, लेकिन गुरु तो गुड़ बनकर रह गया और चेला चीनी बन गया, और तुमने ठाकुर को दर्शन करके आया। इसलिए अभी भी अगर कोई ठाकुर को भजन करे, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भजन करते थे, जब रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई सनातन गोस्वामी को हम खीर खिलाए, राधा रानी स्वयं राधा रानी बन करके छोटी बालिका बन करके इनके लिए खीर खिला करके जाती है। अभी भी ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं, लेकिन किसको दर्शन देते हैं? बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचनिना संत सदैव हृदय सुबिलोकयति। जो लोग प्रेम रूपी अंजन को अपना आंख में लगाते हैं, तब अभी भी ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं, ठाकुर जी अभी भी उनको कृपा करते हैं। पिछले श्री सांडिल ऋषि ने कहा देखो कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में श्री वृंदावन धाम में है, वृंदावन धाम में है। अगर तुम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो, एक काम करो, ये जो ब्रज मंडल कृष्ण चले गए, धीरे 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 उनका लीला समाप्त होते जा रहे, स्थली लुप्त होते जा रहा है, तुम सारे लीला स्थलियों को प्रकट करो और ठाकुर जी की प्रकट करो, और ठाकुर जी की कृपा होगी, पर भगवत दर्शन होगी। इसलिए उन्होंने सारे लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सर ठाकुर जी को उन्होंने प्रकटित की, और लीला के अनुरूप उन्होंने वृंदावन में अभी जो आप लोग दर्शन कर रहे हो, अगर इन्होंने प्रकट नहीं किए होते ना, हमको पता ही नहीं था कृष्ण कहाँ पर रास किया, कहाँ पर उन्होंने पुतना कमारी, कहाँ पर उन्होंने चीर चुराई, हमको पता ही नहीं चलता। केवल ये बज्रनाभ की कृपा से ही अभी हम थोड़े बहुत अभी वृंदावन का लीला स्थलियों को हम दर्शन करते हैं, केवल इन्हीं की कृपा से उन्होंने सब चीज को उन्होंने प्रकाशित की। एक दिन कृष्ण के 16108 पटरानियां कृष्ण विरह में बड़ी दुखी थी, बड़ी दुखी थी, लेकिन देखा जो कालिंदी वो बड़ी प्रसन्न है। बोले कालिंदी हम भी कृष्ण की प्रिया है, तुम भी कृष्ण की प्रिया हो, देखो हम कितने दुखी, लेकिन तेरे अंदर में क्या कृष्ण विरह नहीं? बोले नहीं, राधा रानी के आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में पूर्ण रूप में है। केवल ये राधा जी के आशीर्वाद होना तभी ये चीज अनुभूति होती है। इसलिए आप अभी वृंदावन में जाओ, इसलिए देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहां,
क्या बोलते हैं? जोर से बोला और जोर से। कहती है राधा जी की कृपा से ही अनुभूति हो सकती है, क्योंकि जो वृंदावन धाम है ना, ये वृंदावन धाम नहीं बल्कि ये क्या है, बल्कि राधा रानी अपना हृदय को ये वृंदावन धाम रूप में उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए कहते आने रे हृदय मर मोर मन वृंदावन, ये राधा जी की हृदय है। और ये वृंदावन नाम क्यों पड़ा? बोले राधा जी की एक नाम वृंदावन है, इसलिए जो वृंदावन मतलब है श्री राधा जी की ये बन है। राधा रानी स्वयं कृष्ण लीला के लिए ये वृंदावन धाम को स्वयं राधा रानी प्रकाशित किए है। इसलिए बोले राधा जी की कृपा से ही अनुभूति होगी। बोले हम भी श्री राधा रानी की चेरी बनना चाहते हैं, हैं? इतने में बोले ये रहस्य कौन बताएगा? बोले ये रहस्य को बता सकता है श्री उद्धव जी। कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ये ब्रज मंडल को प्रकाशित किया। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले गिरिराज तलेटी। अब लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाए कि नहीं? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? सबके सब लगाए। इसलिए वहां पर उद्धव कुंड में वहीं पर घास रूप में मिलेंगे। बोले चलो हम सबके सब वहां चलते हैं। सबके सब वहीं पर गए, बड़ी जोर से वहां पर हरि कीर्तन किए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय मनवारी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल राधे 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 कीर्तन किए। देखो कीर्तन का कितना प्रभाव है, वो कीर्तन का प्रभाव से वहां पर उद्धव जी घास बन करके भजन कर रहे थे। स्वयं उद्धव जी वहां प्रकट हुए। जब उद्धव जी प्रकट हुए तब महिषासुर ने बताया, हे उद्धव कृष्ण तुम ही ब्रज में भेज करके
ये ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं, अभी तुम सांत्वना प्रदान करो, अभी कृष्ण हमें कैसे मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा, देखो मैंने यही प्रश्न में कृष्ण को किया था, जब कृष्ण ये संसार छोड़ कर जा रहे थे, बोले हे कृष्ण तुम्हारी विरह को हम कैसे सहन करें। ये कृष्ण ये बात को स्वयं बोल कर गए थे, बोले मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ और कलयुग में दूसरे रूप में भी रहूंगा। बोले किस रूप में? बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भागवत रूप में मैं यहाँ पर रहूंगा। अगर कोई कलयुग में ये भागवत कथा को श्रवण करता है, कहती है भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, कहती है कलयुग में जो भागवत कथा सुनते हैं वो डायरेक्ट रूप में मेरे साथ में मिलते हैं। जब उन्होंने ये बात को बताए, बोले उद्धव जी फिर तो आप हमें कृष्ण कथा सुनाए, हमें भागवत कथा सुनाओ, हम तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे। लेकिन उन्होंने 1 महीना तक उन्होंने वहीं पर कथा बैठ कर सुनी। जब ये भागवत कथा समाप्त हो गई, ये कृष्ण से स्वयं राधा रानी, श्री कृष्ण, उनकी सखा सखियां, ये सबके सब ये भागवत ग्रंथ से सबके सब वहां पर प्रकाशित हुए और श्री महेश जी ने साक्षात कृष्ण को उन्होंने दर्शन किया वहीं पर। जब दर्शन करके उनके हृदय से कृष्ण विरह, उनका हृदय से फिर कृष्ण विरह की दूर हुआ केवल ये भागवत कथा से ही। मतलब अगर कलयुग में हम लोग ये भागवत कथा सुनेंगे तो एक दिन ये भागवत कथा से ही हमें ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, हमें ठाकुर जी जरूर इसी भागवत कथा से मिलेंगे, तब भी ये भागवत कथा की इतने महिमा है। तब श्री उद्धव जी ने कहा, देखो मेरे जो गुरु जी थे ना बृहस्पति जी, हमें कथा सुनाते थे। बोले क्या है? बोले जो विश्व ब्रह्मांड देख रहे हो, ये जो विश्व ब्रह्मांड चल रहा है केवल ये भागवत की कृपा से। बोले कैसे? बोले जब श्री बांके बिहारी इन्होंने ये सृष्टि की, 3 देवता को उन्होंने सृष्टि की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम सृष्टि करो, शंकर जी को बोले संहार करो और विष्णु को बोले तुम पालन करो। इतने में ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी आपका आशीर्वाद से तो मैं सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन इस सृष्टि का जो काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर आप ये 7 दिन कथा सुनोगे, ये कथा के प्रभाव से सृष्टि कर सकते हो, ये रजोगुण से समाप्त हो, रजोगुण से मुक्त हो सकते हो। इतने में श्री नारायण आए, बोले आपका आशीर्वाद से जगत को पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं? बोले आप भी कथा सुनो और सुना। माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है, माँ जब नारायण कथा सुनाते हैं, सामने लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। कितना दिन तक? हम लोग तो 7 दिन से समाप्त कर देंगे, लेकिन जब श्री नारायण कथा सुनाते हैं ना, बढ़िया करके व्याख्या करके सुनाते हैं, इसलिए उनको लग जाता है 1 महीना। उसको बाद में माँ लक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती और नारायण सामने बैठ कर कथा सुनाते। बोले उनको कितने दिन लगता? बोले 2 महीना। मतलब नारायण जितने सुंदर व्याख्या करके सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी उससे और ज्यादा सुंदर करके कथा सुनाती। इसलिए नारायण की कथा में जितने रस मिलती है, जब श्री लक्ष्मी कथा सुनाती है उससे भी ज्यादा आनंद मिलता है लक्ष्मी की कथा में। इतने में शंकर जी आए, बोले आपका आशीर्वाद से जगत को संहार कर सकता हूँ, लेकिन ये जो अत्यंत की जो लय है, ये लय को कैसे करूं, और ये जो संहार का जो काम है, ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप भी कथा सुनो और आप भी कथा सुनाओ, आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। देखो जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं ना, जानते हो कितने दिन में ये कथा को समाप्त करते हैं? नारायण तो कथा सुनाते हैं 1 महीना, जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं 1 साल। क्योंकि शंकर जी कौन है? बोले वैष्णवानाम यथासंभो, भगवान की सबसे प्यारे भक्त कौन? श्री भोले बाबा है, भोले बाबा है। इसलिए जब ये कथा को सुनाते हैं, इतने सुंदर रसीली और इतने प्यार से कथा सुनाते हैं, कथा को व्याख्या करते हुए कथा सुनाते हैं, 1 साल में ये कथा को समाप्त करते हैं। इतने में माँ पार्वती कथा सुनाते हैं। पार्वती कौन है? माँ वैष्णवी, जानते ना, वैष्णवी देवी है। ये जब कथा सुनाती शंकर से भी और मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा
बड़े सुंदर उदाहरणों को दे देकर कथा सुनाती। कौन? बोले माता पार्वती। बोले कितना दिन लगता है? बोले 2 साल में ये कथा को पूरी करती है। हैं? माता पार्वती जब कथा सुनाती, देखो ये भागवत कथा की कितनी महिमा देखो। कहती है दुनिया में जो सृष्टि स्थिति और प्रलय है, ये जो सृष्टि स्थिति जो प्रलय है कैसे होता है? बोले केवल ये भागवत कथा के प्रभाव से। इसलिए केवल हम ही कथा नहीं सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये कथा सुनाते हैं। हमारे दामोदर प्रभु जी आज वहां पर हम कथा करने गए थे कीर्तन में, जब हम कथा कर रहे थे कुछ तो माताएं बैठ कर कथा सुन रही थी, लेकिन पीछे जो पुरुष लोग थे ना वो चाय पी रहे थे, क्या टमाटर जूस पी रहे थे, वो मस्ती ले रहे थे, और बच्चे लोग गुब्बारा फूल रहे थे। मैं तो उतना कुछ बोला नहीं, मैं जानता हूँ ये विषय लोग, लेकिन हमें दामोदर कथा सुनने के लिए दिया। उन्होंने सबको ऐसे डांट लगाया, इन्होंने सबको ऐसे डांट लगाए, बोले तुम जानते हो ये कथा की कितने महिमा, ये कथा की महिमा जानते हो? जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे, इतने में स्वर्ग से जिस देवा देवी का तुम लोग पूजा करते हो वो 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, और संपूर्ण ये अमृत कलश को देकर कथा सुनना चाह रहे थे, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी इनको भगा दिए। बोले जिन देवता को तुम लोग घर में पूजा करते हो वे लोग भी ये कथा सुनने के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर संत लोग कथा कर रहे हो तुम मस्ती ले रहे हो। उनने सबके से डांट लगाते है ना, सबके सब जो चाय भाई सब पी रहे थे चुपचाप सब फेंक भाग दिए, और फेंक भाग करके उन लोगों ने एकदम ये उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने उदाहरण दे दिया, उदाहरण दिया तो सब सब चाय भाग फेंक भाग दिए। इसलिए ये कथा की साधारण बात नहीं, ये स्वयं शंकर जी कथा सुनने के लिए कैलाश से आते हैं। ये कथा सुनने के लिए शंकर जी कैलाश से, ब्रह्मा ब्रह्म लोग से, वरुण जी वैकुंठ लोग से इतना दूर से जर्नी करके ये मरते जगत में ये कथा सुनने के लिए आते हैं। मतलब ये कथा की इतने महिमा, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस कथा को श्रवण करते हैं। आप मत समझो केवल हम ही यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हैं, नहीं, सुत गोस्वामी कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र जथा।